चलिए तो हम बात करते हैं करंट अफेयर्स फरवरी 2019 के बारे में। 1 फरवरी 2019 को विश्व बैंक का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एक क्रिस्टलीना जॉर्जी युवा बुल्गारिया के हैं। अगला, 1 फरवरी 2019 को अबू धाबी में खेले गए एशिया कप फुटबॉल का चैंपियन कौन बना? तो कतर जापान को हराकर। अगला, 1 फरवरी 2019 को पेश बजट 2019-20 में किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर जमीन की तक की जमीन रखने वाले किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई? तो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। अगला, 1 फरवरी 2019 को पेश बजट 2019 में इनकम टैक्स की छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी गई? 5 लाख रुपए। अगला, 1 फरवरी 2019 को पेश किए गए अंतरिम बजट 2019 में विजन 2030 के अंतर्गत कितने आयामों की घोषणा की गई? तो है 10। अगला, 1 फरवरी 2019 को पेश किए गए अंतरिम बजट 2019-20 में मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटन किया गया? तो यह 60,000 करोड़। अगला, 1 फरवरी 2019 को भारत की पहली सेमी हाइड स्पीड रेलवे ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कह दिया गया? तो यह वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला, 2 फरवरी 2019 को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह ऋषि कुमार शुक्ला। अगला, 2 फरवरी 2019 को कोलंबिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह संजीव रंजन। अगला, 2 फरवरी 2019 को अमेरिकी सरकार ने रूस के साथ की गई किस संधि से बाहर जाने का ऐलान किया? तो यह इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस इन टी। 2 फरवरी 2019 को वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अगला, 3 फरवरी 2019 को किस उच्च न्यायालय ने आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्क दिए जाने की प्रणाली को तत्काल समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। अगला, 3 फरवरी 2019 को पंजाब राज्य सरकार राज्य का जलीय जानवर किसे घोषित किया गया? तो डॉल्फिन को। अगला, 3 फरवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया लीडिज पीजीए टूर कार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? गोल्फर वाणी कपूर। अगला, 3 फरवरी 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने 1869 में अपने पहले प्रकाशन को उजागर करने के लिए वर्ष 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो यह रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कोष। ठीक है। अगला, 3 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में कितने करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो यह 44,000 करोड़ रुपए। अगला, 3 फरवरी 2019 को भारत में नेपाल का राजदूत किसे नियुक्त किया? तो नेपाल के पूर्व विधि मंत्री नीलांबर आचार्य। अगला, 4 फरवरी 2019 को विश्व भर में मैं हूँ और मैं रहूंगा आई एम एंड आई विल विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। अगला, 4 फरवरी 2019 को किसने वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है? तो यह तुलसी गेवार्ड। अगला, 4 फरवरी 2019 को पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री मित्रा ने कितने रुपए का 2019-20 का बजट पेश किया है? तो यह 2.37 लाख करोड़। अगला, 5 फरवरी 2019 को पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो यह सिंधु नदी डॉल्फिन को। अगला, 5 फरवरी 2019 को कॉरपोरेशन बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो है पीवी भारती। अगला, 5 फरवरी 2019 को जारी डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर आया? तो 7वें। अगला, 6 फरवरी 2019 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर आया? तो 36वें। अगला, 6 फरवरी 2019 को भारत का नवीनतम जी सेट 31 संचार उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो फिंच गुआना। अगला, 6 फरवरी 2019 को नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 30वां सदस्य बनने वाला देश है
मैसिडोनिया। अगला 6 फरवरी 2019 को चेन्नई पुलिस ने चोरी की शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो डीजी कॉप। अगला 7 फरवरी 2019 को फ्रांस के का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया, तो वह पादरी फादर फैंक्विस लेवोल्डे। अगला 8 फरवरी 2019 को रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता, विदर्भ ने सौराष्ट्र को हरा कर 78 रन से हरा कर। अगला है 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए किस नाम से नए दूरदर्शन चैनल का उद्घाटन किया है, डीडी अरुण प्रभा। अगला है 9 फरवरी 2019 को किस टीम ने 9वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2019 जीती है, तो रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने। अगला है 9 फरवरी 2019 को किस मध्य पूर्वी देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया, वे संयुक्त अरब अमीरात। अगला है 9 फरवरी 2019 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा कौन बन गई, तो हिंदी। अगला है 9 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर का तीसरा संभाग कौन बना, लद्दाख। अगला 10 फरवरी 2019 को किस फिल्म को ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया, रोमा को। अगला है 10 फरवरी 2019 को 61वें ग्रैमी अवार्ड के तहत एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो गोल्डन ओवर को। अगला है 10 फरवरी 2019 को 61वें ग्रैमी अवार्ड में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो है चाइलिस डिडिस ग्रेमिनो। अगला 10 फरवरी 2019 को इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार के लिए किसे ने चुना गया, तो भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम। अगला 10 फरवरी 2019 को किस देश द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए 4 चिनूक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति की गई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। अगला 10 फरवरी 2019 को चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता है, तो है कोरिटिन मोटेट ने एंड्रयू हैरिस को हराकर। अगला 11 फरवरी 2019 को भूटान में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो है रुचिरा कंबोज। अगला 11 फरवरी 2019 को बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन 19 कहाँ से शुरू हुआ है, तो कराची में हुआ है। अगला 11 फरवरी 2019 को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को। अगला 11 फरवरी 2019 को किसने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अगला 12 फरवरी 2019 को आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो गुवाहाटी असम में। अगला 12 फरवरी 2019 को कोबरा गोल्ड 2019 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। 12 फरवरी 2019 को भारत का पहला मेगा इक्वा फूड पार्क किस राज्य में चालू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में। अगला 12 फरवरी 2019 को आगामी IPL के लिए राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया, तो है सैन वार्न। अगला 12 फरवरी 2019 को स्वच्छ शक्ति 2019 पुरस्कार समारोह में किस शहर में आयोजित किया गया, तो है कुरुक्षेत्र। अगला 12 फरवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अगला 13 से 14 फरवरी 2019 को 5वें अंतर्राष्ट्रीय वाहन सुरक्षा सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया गया, तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला 13 फरवरी 2019 को संवाद सहिष्णुता और शांति प्रसारण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह विश्व रेडियो दिवस। अगला 13 फरवरी 2019 को MRF चैलेंज खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी, वह इंग्लैंड की जेमी चाडविक। अगला है 14 फरवरी 2019 को मेघालय में 2022 में होने वाली राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर किसे घोषित किया गया, तो तिंदुआ को। अगला है 14 फरवरी 2019 को किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है, तो यह बिहार। अगला है 14 फरवरी 2019 को कहाँ में आतंकवादियों द्वारा CRPF के काफिले पर फिदायन हमला कई जवान शहीद हो गए, तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में।
अगला है हमारा 14 फरवरी 2019 को किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो है सुशील चंद्रा। अगला है हमारा 15 फरवरी 2019 को मैसेडोनिया ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर क्या किया, तो त्री मैसेडोनिया। अगला है 15 फरवरी 2019 को किन दो देशों ने समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए पहल आरंभ की है, भारत और नॉर्वे। अगला है 15 फरवरी 2019 को केंद्र ने गुजरात के गिर में एशियाई शेर संरक्षण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए, तो 59 करोड़ रुपए। अगला है 15 फरवरी 2019 को किस राज्य सरकार ने डिक्की बंदी स्टेडियम का नाम बदलकर पीए संगमा रखने की घोषणा की है, तो मेघालय राज्य सरकार। अगला है 15 फरवरी 2019 को सातवां वार्षिक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, दुबई में। अगला है 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला है 15 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस किया, तो पाकिस्तान। अगला है 16 फरवरी 2019 को एयर इंडिया का नया CMD किसे नियुक्त किया गया, तो अश्विनी लुहानी। अगला है 16 फरवरी 2019 को किस देश के राष्ट्रपति ने अवैध आप्रजकों से देश की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला है 16 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी, तो हिना जायसवाल। अगला है 16 फरवरी 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने किस कंट्रोलर और ASG नियुक्त किया, तो भारत के चंद्रमौली रामनाथन को। अगला है 16 फरवरी 2019 को फिल्म ए स्टार अवार्ड के लिए पेटा का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता, तो ब्रैडली कपूर। अगला है 16 फरवरी 2019 को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है सिद्धार्थ लाल। अगला 17 फरवरी 2019 केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो है PC मोदी। अगला 17 फरवरी 2019 को किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, तो है क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के। अगला 17 फरवरी 2019 को 55वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ, तो जर्मनी के म्यूनिक में। अगला 17 फरवरी 2019 को ईरानी कप किसने जीता, विदर्भ ने शेष भारत को हराकर। अगला 18 फरवरी 2019 को राष्ट्रपति ने वर्ष 2014-15-16 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार जीत किसे प्रदान किया गया, तो यह किरमसा राजकुमार सिंघाजीत छायानाट बांग्लादेशी के देश के संस्कृति संगठन और रामजी सुतार। अगला है 18 फरवरी 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितने करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है, तो यह 28,000 करोड़। अगला 18 फरवरी 2019 को कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो अर्जेंटीना। अगला 19 फरवरी 2019 को हिंदी के मशहूर किस साहित्यकार और आलोचक का निधन हो गया, तो यह नावर सिंह। अगला 20 फरवरी 2019 को सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां देश कौन बना, तो सऊदी अरब। अगला 20 फरवरी 2019 को भारत के पहले फुल होम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहां पर हुआ, तो कोलकाता में। अगला 21 फरवरी 2019 को BCCI भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया, तो DK जैन को। अगला 21 फरवरी 2019 को किसे दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला 21 फरवरी 2019 को विकास शांति समन्वय में स्थानीय भाषाओं के योगदान के विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला 21 फरवरी 2019 को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, नोवाक जोकोविच सर्बिया के। अगला 22 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किस देश को वैश्विक खेल आयोजन की मेजबानी से निलंबित कर दिया, तो चीन को। अगला 22 फरवरी 2019 को किस राज्य में उत्तर पूर्व भारत के पहले राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का उद्घाटन किया, तो असम के जोरहाट में।
अगला है 13 फरवरी 2019 को किस समाचार एजेंसी ने दुनिया की पहली महिला एआई न्यूज एंकर का अनावरण किया, चीनी एजेंसी सेनहुआ ने। अगला है 23 फरवरी 2019 को किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद ताहिर एला को नियुक्त किया, तो है सूडान। अगला है 23 फरवरी 2019 को दो तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना, तमिलनाडु। अगला है 24 फरवरी 2019 को नागालैंड के पहले लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो है न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह। अगला है 24 फरवरी 2019 को फ्यूचर ऑफ द नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, दिव्या कर्नाड। अगला है 24 फरवरी 2019 को जीएसटी परिषद में निर्माणाधीन घरों पर टैक्स 12 से घटाकर का कितना कर दिया, 5%। अगला है 24 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अगला है 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास। अगला है 25 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में पहली बार दूसरे स्थान पर कौन सा रहा, तो न्यूजीलैंड। अगला है 25 फरवरी 2019 को 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का अवार्ड किसने जीता, तो है क्रमशः गेनबो कोरोमा। अगला है 25 फरवरी 2019 को 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है, तो यह पीरियड एंड एंड ऑफ सेंटेंस। अगला 26 फरवरी 2019 को भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा से सफल परीक्षण किया है, तो है क्विक रिएक्शन मिसाइल। अगला 26 फरवरी 2019 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा मैं तितान वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया, तो बगयू बगरू राजस्थान में। अगला 26 फरवरी 2019 को एशियन हॉकी फेडरेशन ने किसको प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 से सम्मानित किया, तो मनप्रीत सिंह। अगला 26 फरवरी 2019 को T20 इतिहास में चार गेंदों में चार विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने, राशिद खान अफगानिस्तान के। अगला 26 फरवरी 2019 को लड़ाकू जेट तेजस की सह पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी, पीवी सिंधु। अगला 26 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता का उद्घाटन किया है, इस कौन मंदिर दिल्ली में। अगला 27 फरवरी 2019 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कान अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन 2019 जीता है, तो है अभिजीत गुप्ता। अगला 27 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित विमानन सम्मेलन 2019 का विषय था सभी के लिए उड़ान। अगला 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेलवे ने किस नाम से एक नया 18वें रेलवे जोन बनाने की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा, तो यह दक्षिणी तट रेलवे। अगला 27 फरवरी 2019 को विशेष डॉग एक्वायर्ड रखने वाला पहला राज्य कौन बना, बिहार। अगला 27 फरवरी 2019 को ISSF वर्ल्ड कप में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो यह निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी। अगला 27 फरवरी 2019 को किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेश तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप जारी किया, तो है सिग्नल चिप। अगला 27 फरवरी 2019 को सऊदी अरब ने अमेरिका में अपनी पहली महिला राजदूत किसे नियुक्त किया, तो राजकुमारी रीमा बिंत बंदार को। अगला 27 फरवरी 2019 को न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, मुकेश कुमार परदेशी। अगला 28 फरवरी 2019 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग के बीच दूसरी शिखर वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई, तो वियतनाम की राजधानी हनोई में। अगला 28 फरवरी 2019 को असम राज्य सरकार ने कर्मचारियों के माता पिता की रक्षा के लिए किस आयोग की शुरुआत की है, एक प्रणाम आयोग। अगला 28 फरवरी 2019 को लोगों के लिए विज्ञान और विकास के लिए लोक विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला 28 फरवरी 2019 को नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, गोविंद प्रसाद शर्मा। चलिए दोस्तों, तो ये थी फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स।